हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज जो है मैं जो कुछ भी अपने ड्रीम्स बोल लीजिए या मम्मी पापा की जो है ख्वाहिश पूरा कर पा रही हूँ वो बस और बस यूट्यूब के बदौलत और आप सभी के प्यार के बदौलत। और आज जो है मैंने मम्मी पापा के लिए एक चीज़ लिया है तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया हुआ है। और मैंने खुद के लिए भी कुछ लिया है जो कि जो है जब मैं टिकट बनाती थी तब से जो है मुझे लेने का बहुत ज़्यादा मन था। तो उस टाइम से जो है हमको बहुत ज़्यादा लेने का मन था पर प्राइस जो है उसका बहुत ज़्यादा था तो उस टाइम ले नहीं पाते थे क्योंकि पापा से ज़्यादा पैसा मांगना हमको शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था। जितना हो सकता था जो है अपने खुद के सेविंग्स से ही जो है कुछ कुछ लेती थी। तो अभी जो है मैं अपना कुछ अर्न कर पा रही हूँ जिससे जो है मैं खुद के लिए भी खरीद पा रही हूँ और मम्मी पापा के लिए ही। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने क्या लिया है और उसको जो है डिटेल्स में आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचे वो भी सबसे पहले। और ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे जो है आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं और बहुत अच्छा चीज़ है तो उसको भी जो है अच्छा से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो मम्मी के लिए लाए हैं वो हम ले कर आ गए हैं। मम्मी फिलहाल आ रही है, तब तक देखिए इधर कोको और इधर अंशु। अरे हाँ, वो लोग बाद में दिखाएंगे क्या है। तो ये लोग बोल दो हेलो फ्रेंड्स। हेलो। और बोलो बोलो अच्छा से। हेलो। और कुछ कुछ बोलो। आज कुछ कुछ नहीं। क्या क्या खाई है आज बता दो। अंगूर खाए, तरबूज खाए। और कुछ रोटी नहीं खाई? ना नो, रोटी भात नहीं खाती है। देखिए तो चलिए मम्मी आ गई है तो चलिए आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। क्या कोको को पकड़ लिए जा। नहीं वो तुम्हारे साथ खेलेगी तो जा। देखिए स्लो मोशन, ठीक है स्लो मोशन ही। आओ दौड़ के आओ। हो गया नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है संपूर्ण हनुमान। तो आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। संपूर्ण हनुमान है ये आप लोगों को पता चल गया पर इसमें जो खास बात क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए ये है संपूर्ण हनुमान। इसका खास बात क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। तो अब इसमें क्या है वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो है चार्जर है इसको चार्ज करने के लिए। और ये क्यों चार्ज होता है वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो ये देख सकते हैं देखिए इसको ऑन करने से ये ऑन हो गया। जैसे इसको ऑन किया आप लोगों को सुनाई दिया होगा जय सिया राम करके तो मतलब ये ऑन हो गया। और ये जो है तो ये बोल सकते हैं इस बुक का जो है रिमोट कंट्रोल है। इसमें जो है सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ से ऑन ऑफ होगा, यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे सारा कुछ जो है दिया हुआ है, वॉल्यूम अप डाउन। और इसमें जितना भी संपूर्ण मतलब हनुमान जी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। ये स्टार्ट कैसे होता है तो ये रहा, ये जो है कवर था और मेन बुक जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे और भी बहुत सारे कुछ तो यहाँ पे बस आप टच कीजिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी अजीर बिहारी राम।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट स्पीकिंग बुक, मतलब ये बुक जो है बोलेगा, बोलेगा, दैट मीन्स इसमें जो है ये दिया गया है, आप जहाँ पर भी टच करोगे ये जो है खुद ब खुद बोलने लगेगा। ये बुक आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ये मंदिर है तो मंदिर का जो है म्यूजिक आने लगा। इस बुक का सबसे खास बात ये है कि ये देख सकते हैं हनुमान तिलक, ये हनुमान तिलक है और तीन होली प्लेसेस हैं, हनुमान मंदिर दिल्ली, हनुमान गड्डी अयोध्या और संकट मोचन मंदिर वाराणसी, वहाँ से ये तिलक लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है हनुमान जी के बारे में सारा कुछ दिया गया है, देखिए। लाल देह लाल से अरुधर लाल। तो आप जहाँ पर भी टच कीजिएगा वहाँ पे जो है ये खुद आपको वहाँ का स्टोरी पूरा जो है बताने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे दो लैंग्वेज पे दिया गया है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों से दिया गया। अगर आप इंग्लिश पे टच करोगे features symbolic meaning and divine virtues. His impact in that era he lived and the power of chanting his name. इस बुक में जो है हनुमान चालीसा एक एक पेज में और फोटो के साथ दिया गया है, आपका उसका मीनिंग भी समझाया गया है सारा कुछ हिंदी इंग्लिश से। देखिए यहाँ पे रघुपति किनी बहुत बड़ा बढ़ाई तुम मामा प्रिया भरत संभाई, उसको हिंदी से ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया। तो आप इसको जहाँ पे भी टच करोगे वो जो है आपको बोलने लगे। इसी तरह से जो है इस बुक में हनुमान जी के बारे में एक एक चीज डिटेल से सारा कुछ जो है दिया गया है, और आपको जो है ये वाला दिया गया है कि आप जो है कहीं से भी आप कहीं भी टच करोगे आपको सुनाई देगा। तो मैं जो है उतना अभी पूरा बुक तो नहीं आप लोगों को सुना सकती, ये जो है मैंने मम्मी के लिए लिया हुआ है और तो ये मम्मी पापा दोनों के लिए है। इनफैक्ट मैं खुद मंगलवार का फास्टिंग करती हूँ तो इसीलिए जो है मैंने भी ये लिया हुआ है कि हनुमान जी के बारे में जितना आप लोग जानोगे आप लोगों को जो है उतना ज़्यादा जो है बहुत अच्छा फील होगा। और ये ऑडिबल इसलिए है क्योंकि जो है जैसे हम मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी है, मेरी मम्मी को पढ़ने आता है वो पढ़ लेगी, लेकिन बहुत कोई है जो मतलब नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी हो या इंग्लिश हो, और तो उससे क्या है आप इसे सुन सकते हैं, बस टच करो उतना तो इजीली आपको पता होगा। नॉर्मल यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, एक बार अपने पेरेंट्स को सिखा दोगे, अपने दादा दादी किन्हीं को भी, तो वो बस जहाँ मन करेगा जो चीज़ सुनने का जो कोई भी पार्ट तो आराम से वहाँ पर टच कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है घर का। जब मैंने इसके बारे में सुना था तभी से मुझे जो लेने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन तब उस टाइम नहीं ले पाए थे, और फाइनली जो अब भी मैंने लिया है मम्मी के लिए। मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हनुमान चालीसा है। मम्मी जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है तो ऐसे में क्या होगा ना, ये ऐसे कहीं भी कुछ काम कर रही है तो लगा देंगी तो वो अपना जो है पूरा भजन होते रहेगा। भजन भी है बहुत सारे, इसमें बुक्स भी है बहुत और भी बहुत कुछ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए जो है मैंने मम्मी पापा के लिए लिया है और ये घर के लिए लिया है, क्योंकि हम लोग जो है धीरे धीरे जो है अपने कल्चर ये सब धर्म को जो भूलते जा रहे हैं। देखिए इसको इसको बहुत देर तक हम ऑफ नहीं किए थे तो ये बोल रहा है अभी कुछ देर बाद ये खुद ब खुद जो है ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज करने का भी आप चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो आप लोगों ने देखा मम्मी के लिए ये मैंने लिया हुआ है, तो इसका जो है प्राइस मुझे पड़ा है वो है 10,000 और थोड़ा महंगा है, इसलिए पहले नहीं ले पाए थे और अभी ले पाए हैं। मतलब जिस टाइम इसको जो है हम लोग पहली बार देखे थे मम्मी पापा हम मम्मी उस टाइम जो है मम्मी पापा को भी लेने का मन था और मेरा भी लेने का मन था, पर प्राइस जो है वो कुछ ज़्यादा था इसीलिए जो है नहीं ले पाए थे। पर अभी उसी टाइम मैंने सोच के रखा था कि जब भी पैसा होगा मेरे पास तो मम्मी पापा के लिए ये वाला जो है ज़रूर लेंगे, और ये जो है बहुत अच्छा चीज़ है, इससे जो है हम लोग का घर का इन्वायरमेंट है, दीदी वहाँ पे देख रही है तो घर का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है, और हम लोग जो है कल्चर से जुड़े रहते हैं, हमारे मतलब हम लोग के घर में जो है भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और भगवान को मानना भी चाहिए, बाकी मानना नहीं मानना वो आप पे डिपेंड करता है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो नहीं मानिए। और अगर किन्हीं को ये वाला चाहिए, और इसका जो है बहुत सारा है, भगवत गीता भी है, पर भगवत गीता मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी बुक पापा के पास है, तो
अगर आप लोगों को भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे जो है मेल कीजिएगा, मेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन पे है, बाकी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप लोग मुझे मेल कीजिएगा अगर आपको ये लेना है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम् नित्यम् सच्चिदानंद। संस्कृत तो पढ़ोगे, हिंदी तो टच करोगे, मीनिंग क्या बताते? राम नाम को भगवान के हजारों नामों का सार भी माना जाता है। यह तारक मंत्र है जो पोत को समुद्र के पार ले जाता है। सो इसको लेने का जो है बहुत ज़्यादा फायदा है। फायदा ये है कि आप जो है जैसे अभी भागदौड़ का जिंदगी में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और मन में जो है शांति नहीं मिल पाता है, और लेकिन ये सब चीज़ सुनने से जो है सही में मेंटली पीस मिलता है। मुझे तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मैं ऐसे भी हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती ही हूँ। तो ये तो हो गया मम्मी पापा के लिए गिफ्ट। अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैंने खुद के लिए क्या लिया है, जो कि मुझे बहुत दिनों से नहीं, साल दो साल से लेना था, फाइनली वो मैंने ले लिया। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने जो खुद के लिए लिया है वो है रिंग लाइट, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जो टिकटॉक वीडियोस बनाती थी और अभी भी जो है रील्स वगैरह बनाती हूँ, पर ये जो है मुझे बहुत दिनों से लेना था पर ले नहीं पा रहे थे, थोड़ा कॉस्टली आता है, तो फाइनली जो है अब मैंने इसको ले लिया है। अब जो अच्छा अच्छा रील्स देखने को मिलेगा, इसलिए इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर। अरे बाबा क्या ना देखो रिंग ले, मेहनत से किने लेते कदम में, सभी मेहनत से। वाओ, उसने बैग भी दिया। ये रहा लाइट, और ये तो स्टैंड रहा, तो उतना अनबॉक्सिंग करके क्या दिखाएंगे, आप लोगों को पास होगा ही, आप लोगों को पता ही होगा। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं जो है आज जो कुछ भी खुद से कर पा रही हूँ वो बस और बस YouTube के बदौलत है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत है। आप लोग अगर इतना प्यार और सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मुझे जो है जगह जगह लोग जानते नहीं और मैं इतना सारा कुछ जो है अपने मम्मी पापा का खुद का ड्रीम पूरा नहीं कर पाती। अभी जो है स्टार्टिंग है, अभी और जो है पूरा करना है धीरे धीरे। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आया, पसंद इसलिए अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि मैं जो है कभी अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माने, हमेशा कुछ करने का ठाने ही है, अब मेहनत भी करते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने ड्रीम्स पूरा कीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय।